ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में बड़ा बवाल हो गया है। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर कब्जा जमा लिया है। ब्राजील की आम जनता राष्ट्रपति भवन पर हमला कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को निशाना बना रही है, संसद में घुसकर हंगामा कर रही है। चंद महीनों पहले जो हाल श्रीलंका का था, वही आज ब्राजील का है। चंद महीने पहले जो तस्वीर अमेरिका में दिखी थी, कुछ यही मंजर ब्राजील में देखा जा रहा है। हालात ऐसे बन गए कि सेना को सड़क पर उतरना पड़ा, लेकिन भीड़ इतने गुस्से में है कि सेना के जवान भी उनके आगे बेबस दिखे। दरअसल तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने लूला डी सिल्वा के विरोध में ब्राजील में बवाल मचा हुआ है। ये उम्मादी भीड़ पूर्व राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के समर्थक हैं, जो लूला डी सिल्वा के राष्ट्रपति बनने का विरोध कर रहे हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी कई जगहों पर विरोध कर रहे हैं और हिंसक प्रदर्शन पर उतर। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तारू है, ब्राजील की सड़कों पर हिंसा बढ़ती ही जा रही है। ब्राजील का झंडा लेकर हजारों की संख्या में भीड़ ने ब्राजील की सत्ता के केंद्र पर अटैक कर दिया। कट्टरपंथी बोल्सोनारो समर्थक ने लूला डी सिल्वा को प्रेसिडेंट मानने से इनकार कर दिया और बवाल मचा रहे हैं, जिन्हें रोकने की तमाम कवायद काम नहीं आ रही और ब्राजील में स्थिति नियंत्रण से बाहर है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में इमरजेंसी लग गई है। राष्ट्रपति लूला ने इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया है। बवाल के बीच जनवरी तक यहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। ब्राजील में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने राजधानी ब्राजीलिया में इमरजेंसी लगा दी। भयंकर बवाल के बीच जनवरी तक आपातकाल की घोषणा की गई। लूला डी सिल्वा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ब्राजील में लगातार बिगड़ते जा रहे हालात के बीच सेना ने पूरी तरह कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसने के लिए हर जगह पुख्ता तैयारी कर ली। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन लोग इतने उग्र थे कि घेरा तोड़कर आगे निकल आए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे एक पुलिस ऑफिसर पर लोग टूट पड़े, डंडे से जमकर पीटा। हमले में पुलिस ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो गया। बदहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहे ब्राजील को संभालने के लिए सेना के जवान हर मोर्चे पर डटे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने का नाम नहीं ले रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्राजील के हालात पर आज चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा, भारत ब्राजील के साथ है। ब्राजील की घटना की अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी निंदा की है। बाइडेन ने कहा है कि लोकतंत्र का सम्मान करे जनता। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने इस घटना के पीछे फांसीवादी कट्टरपंथियों का हाथ बताया। कहा कि इस देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करने वाले कट्टरपंथी संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन पर हमला बोल रहे हैं। ब्राजील की घटना ने अमेरिका के कैपिटल हिंसा की यादें ताजा कर दी। घटना की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निंदा की और कहा, ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं को हमारा पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि मैं ब्राजील में लोकतंत्र पर हुए हमले की निंदा करता हूं। ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं को हमारा पूरा समर्थन है। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ब्राजीलिया में सरकारी संस्थाओं के खिलाफ दंगे और तोड़फोड़ की खबरों से बेहद चिंतित हूं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील के अधिकारियों को पूरा समर्थन देते हैं। ब्राजील में पिछले साल अक्टूबर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ था, जिसमें दक्षिणपंथी बोल्सोनारो की हार हुई, लेकिन उनके समर्थक चुनाव के नतीजे मानने को तैयार नहीं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।